हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कॉल हिस्ट्री, सेटिंग, हेल्प एंड फीडबैक। तो अगर आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा एक ऑप्शन आता है यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है हमारा नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट। तो इस ऑप्शन को जब हम ऑन कर देंगे और ऑलवेज रिकॉर्ड कर देंगे तो इससे क्या होता है गाइस, जैसे कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट सेव नहीं होते हैं आपके उन नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है ना। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर की आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिलेक्ट नंबर, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपको ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्ट नंबर, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है चूज़ ए कॉन्टैक्ट, वहाँ से अपना उस पर क्लिक करके आप वहाँ पर आपके सारे नंबर शो हो जाते हैं। आपको जिस नंबर की अपनी कॉल रिकॉर्डिंग करनी है उसका नंबर वहाँ से सिलेक्ट करके इस तरीके से कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। तो आप गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।